चिड़िया या किसी भी कार्टून के लिए आप अपने दोस्तों से या फिर अपनी फैमिली से अलग अलग लोगों से आप वॉइस कैसे लोगे, क्योंकि आप लोग कह सकते हो कि कभी कोई फ्री रहते हैं, कभी कोई फ्री नहीं रहते हैं, कोई बोलेंगे मैं शाम में आवाज़ दे दूंगा, कोई बोलेगा मैं अभी दूंगा, आप उस सबको मैनेज कैसे करोगे, ये प्रॉब्लम है। तो इसका जो सोल्यूशन है वो मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ और आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप स्क्रिप्टिंग करोगे, लिखोगे और साथ ही साथ कैसे जो है आपको उसको एडिट करना है जिससे कि बाद में जो है आप उसको एडिट कर पाओगे। तो काइंड मास्टर मैं आपको मैं लेके चलूंगा बाद में, पहले मैं दिखा दूँ स्क्रिप्ट कैसे किया जाता है और साथ ही साथ आप वॉइस जो है वो कैसे रिकॉर्ड करवाओगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जो है उसको दबा लीजिए। आपको मैं सबसे पहले स्क्रिप्ट दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये जो है ये सबसे पहले आपको नरेशन होता है, नरेशन मतलब ये होता है जो एक फीमेल की आवाज़ में बोलते हैं कि किसी जंगल में एक टूनी चिड़िया रहती थी, उसके दो बच्चे थे सोनू और मोनू, वो जो है बहुत ही शरारती थे और वो जंगल में रहते थे। फिर एक बार टूनी ने उस दोनों को कहा, कहा बोलते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है, टूनी का डायलॉग होता है, तो वो जो हुआ था उसको नरेशन कहते हैं। तो ये नरेशन होता है, ये आपको फीमेल वॉइस में आपको रहना मतलब रहता है और आपको अपने नोटबुक पे ऐसे ही लिखना है नरेशन, नोटबुक हो या मोबाइल का नोटपैड हो वहाँ पर ऊपर लिखोगे नरेशन और वहाँ पर आपको जो स्टोरी होती है वो आप लिख लोगे। इसके बाद आपका मान लीजिए टूनी का कोई डायलॉग है, अब यहाँ पर क्या करोगे, टूनी लिख लोगे वन या टू जो भी होगा टूनी आप लिखोगे और या फिर उस पंछी का क्या नाम है आप वो नाम यहाँ पर लिखोगे और किस कलर का कैरेक्टर है, पीला है, येलो है, ब्लू है, कबूतर है, तोता है, कौन सा कैरेक्टर है वो आप बगल में लिख लोगे और फिर जो है आपको यहाँ पर उसका डायलॉग लिखना है, माँ मुझे जंगल में खाना लेकर के आना है, जो भी है। फिर आप सेकंड दोगे मुनी और इस बार आपका नीला कैरेक्टर या जो आपका रहेगा आप वो लिखोगे, मैंने आपको बस एग्जाम्पल के लिए बताया हुआ है। फिर आप उसका डायलॉग लिखोगे, फिर मीकू उल्लू का है, मतलब जो जिस कैरेक्टर का नाम है और कौन सा कैरेक्टर है वो आप यहाँ पर लिख लोगे और उसका डायलॉग उसके सामने जो है वो यहाँ पर लिख लोगे। अब मैं आपको काइंड मास्टर में लेके चलता हूँ और बताता हूँ कि आप वॉइस जो है वो रिकॉर्ड कैसे करवाओगे। तो दोस्तों आपके पास स्क्रिप्ट रेडी रहेगा, अब मान लीजिए आप किसी एक पर्सन से पूछते हो या फिर किसी भाई से कि भाई मुझे तुम्हारी आवाज़ चाहिए थी तो मुझे दे दो, वो बोलेगा कि ठीक है एक घंटे बाद मैं तुमको आवाज़ दे दूंगा। आप एक घंटे बाद क्या करोगे, ये कॉपी लेकर के जाओगे उसके पास, ठीक है, और अब यहाँ पर आप वहाँ पर काइंड मास्टर ओपन करोगे, माइक उसको लगा दोगे और यहाँ पर क्रिएट न्यू पे क्लिक करके आप इसमें 6:9 हो या 9:16 हो किसी में भी आप क्रिएट पे क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद जो आपको सिंपल क्या करना है आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन आता है इमेज एसेट का, आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से जो है आपको कोई सा भी ग्रीन स्क्रीन अगर होता है यहाँ पर होगा, अगर ग्रीन स्क्रीन नहीं होगा तो कोई सा भी एक यहाँ पर आप इसको चूज कर लोगे। चूज करने के बाद यहाँ पर आप इस पर क्लिक करोगे और इसको आप यहाँ से जो है पूरा बड़ा कर दोगे, यानी जितना बड़ा आपको लगता है कि हाँ 5 मिनट की स्टोरी का वॉइस होगा, 6 मिनट का होगा, आप उसको उतना जो है इसको आप यहाँ पर बड़ा कर दोगे साइज में, ठीक है, अब बड़ा कर दिया। अब देखिए अब यहाँ पर जो है आपको बताऊँ कि अब आप सीधा क्या करोगे, ये कर दिया या फिर अगर आपका ग्रीन स्क्रीन मिल जाए तो वो अच्छी बात है। अब यहाँ पर आप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद जैसे कि आप ये एक आवाज़ हो गया कि टूनी, जैसे कि एक नरेशन तो आप दोगे खुद का फीमेल का हो या जो दोगे या किसी से दिलवाओगे तो वो भी आप सिर्फ जिसका नरेशन होगा सिर्फ बोलोगे नरेशन देने के लिए, अगर ये आवाज़ रहता है जैसे टूनी चिड़िया का है आप यहाँ पर बोलोगे कि माँ मुझे जंगल से खाना लेकर के आना है, मेरे बच्चे भूखे हैं, मान लीजिए ये आवाज़ आप ले लोगे आप, ठीक है। इसके बाद इस कैरेक्टर का जितना आवाज़ हो, क्योंकि ये एक कैरेक्टर एक ही इंसान देगा आवाज़, इस एक कैरेक्टर का जितना भी आवाज़ होगा आपका पूरा स्टोरी में आप सारी आवाज़ एक बार, जैसे कि यहाँ तक एक आवाज़ हो गया, ठीक है, रुकिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखिए इसका एक जो आवाज़ हो गया जिसको मैं बोलता हूँ कि माँ मुझे जंगल से खाना लेकर के आना है, मेरे बच्चे भूखे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो आवाज़ है ये इस टूनी पीली वाली टूनी चिड़िया का है, फिर दूसरा जो आवाज़ है टूनी चिड़िया का वो भी आगे बोलना है, तो इसको अब क्या करूँगा मैं, जैसे कि ये वॉइस आपको हो गया, ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ, रुकिए। अरे मुझे खाना नहीं मिला, रात होने वाली है और मेरे बच्चे अभी तक भूखे होंगे। काइंड मास्टर क्या होता है ना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन होते टाइम में उसमें वॉइस नहीं आता, इसीलिए मैंने बंद कर दिया था। अब मैं आपको दिखाता हूँ, एक ये वॉइस हो गया टूनी का जो कि आपका पीली वाली टूनी है, आपका पहला जो होगा वो वॉइस इसका कर लोगे। अब पीली टूनी का जो सेकंड डायलॉग होगा वो भी तो आप उसी पर्सन से बुलवाओगे, तो उसके लिए क्या करोगे आप इसको आगे कर्सर ले करके और दूसरा वॉइस जो है आप उसको वहाँ पर बुलवा लोगे। इसी तरह करके पूरा आप इसको लंबा करके 2, 3, 4, 5 जितने वॉइस होंगे जितने डायलॉग्स होंगे आप उस पर्सन से बुलवा लोगे और बुलवाने के बाद जो है आप यहाँ पर इसको ट्रिम कर लोगे इधर।
का इधर का पोर्शन, और यहाँ पर आप एक और चीज़ कर सकते हो। अगर ऐसे भी आप कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपको ज़्यादा अच्छा करना है तो आप यहाँ पर लिख दोगे बगल में नरेशन या फिर जो भी आपका लिखना होगा आप लिख दोगे, आपका ये बन के रेडी है। अब आप क्या करोगे, इसको एक्सपोर्ट कर लोगे, ठीक है। एक्सपोर्ट करने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर एडिटिंग करोगे तो आप कैसे इसको क्रिएट करोगे। यहाँ पर इसको मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए, जब आप एक्सपोर्ट आपका हो जाएगा उसके बाद क्या करोगे, आप पहले जितना भी कार्टून है, जितना भी कैरेक्टर है, जिन जिन का आवाज़ लेना है, आप सबके पास जा करके ऐसे ही आप आवाज़ ले लोगे। आप चाहो तो एक ही बार में आप एक ही वीडियो में काइन मास्टर की एक ही वीडियो में आप सबकी वॉइस ले सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको एक्सपोर्ट करके, और मान लीजिए इस ब्लैक वाले में वो आवाज़ है सबका, इसको मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस पर क्लिक करना आपको लेयर वाले पे, और लेयर वाले पे क्लिक करके आपको वो जो वीडियो होगा उसको आप यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लोगे, लेके आ जाओगे। लेके आने के बाद आप इस पर क्लिक करोगे और यहाँ से जो है आप यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा एक्सट्रैक्ट ऑडियो, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये रहा ऑप्शन, एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन है एक्सट्रैक्ट ऑडियो। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पर ये जो आवाज़ है ये यहाँ से इसमें से निकल चुका है। अब आपको इस वीडियो को यहाँ से डिलीट कर देना है, वीडियो हो गया डिलीट। अब जो होगा, जो ये वॉइस होगा, ये अब इस पंछी के ऊपर आपको बस सेट करना है। जैसे कि देखिए, आवाज़ आ रही है, इसमें म्यूजिक है वीडियो में, इसीलिए पर डायलॉग आ रहा है, ठीक है। यानी कि अब जो है आप अपने हिसाब से इसको आप एडजस्ट कर लोगे, जब जिसका वॉइस है आप वहाँ पर वॉइस लेकर के आ जाओगे। तो ये हो गया तरीका जिससे कि आप किसी भी तरह से वीडियो को एडिट करोगे, किसी पर्सन से आप लोगे। आपको मैं इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग ये पता नहीं है कि कोई कब टाइम देंगे, कोई कभी टाइम देता है। अब मेरा क्या था कि मैं खुद की आवाज़ तो कभी भी दे दूँगा, अब किसी दोस्त से मैं ले रहा हूँ वॉइस, वो जब टाइम देगा तब मैं उससे वॉइस लेता था। मेरी मम्मी स्कूल की टीचर है तो अब वो जब आती थी तो मैं उससे वॉइस लेता था, तो वो टाइमिंग का मिसमैच होता है, वो आपको एक दिन में कंप्लीट कर लेना है। आप दूसरे दिन जब बैठोगे इसको एडिट करने के लिए तो फिर जो है आप उसका पूरा एक ही वीडियो आपका रहेगा, आप वॉइस निकालते जाओगे, अपना एडिट जो है वो आप करते जाओगे। तो ये जो होगा इससे आपका चैनल में फर्क क्या पड़ता है, चैनल मोनेटाइज होगा इजीली, एक बार में मोनेटाइज होगा चैनल, और दूसरा नंबर व्यू ज़्यादा आता है। क्यों? क्योंकि कोई पर्सन बोलता है ना उसकी फीलिंग अलग होती है, समझे, कोई भी पर्सन। और साथ ही साथ क्या होगा, अगर मान लीजिए आपके चार पांच दोस्तों से आप वॉइस लेते हो, उसको पता चलेगा कि आपके वीडियो में उसकी वॉइस है, तो फिर वो आपका वीडियो तो सुनेगा ही सुनेगा, साथ ही साथ वो अपने दोस्तों को भी शेयर करेगा, और कोई दोस्त होंगे उनके उनको भी शेयर करेगा कि भाई सुन मेरी भी आवाज़ है इसमें, इससे आपका जो वीडियो होगा उसका रीच भी बढ़ेगा। ये जो तरीका है आप इससे कर सकते हो, तो बस इसको बनाइए, इस तरह यूज करिए, मैंने आपको पूरा दिखा दिया है, बता दिया है। तो बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल का आइकन दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।